हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, कोई टू सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन ए प्लस बी, इसको प्लस या डेल से शो करते हैं तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसका ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी का यूनियन एंड बी माइनस ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या साथ ही हम कह सकते हैं कि ऐसे सारे एलिमेंट जो एक्स में है, एक्स यानी कोई अगर एक्स इसमें एलिमेंट है कोई, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस सिमेट ए, तो इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी उनके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एंड नहीं और होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और वेन डायग्राम में समझे तो फ्रेंड्स ये इस तरह को शो करता है, जैसे हमारे पास टू सेट हैं, ये ए और ये बी, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये करेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी प्लस जो होता है ये होगा हमारे पास, ये सेट को डिफरेंस डिफाइन करेगा ये एक, तो ये ए यानी ए डैश सॉरी ए और ये वाला पार्ट, मतलब इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट हो, इस पार्ट को ये नहीं करेगा, एग्जिस्ट ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेगा, तो इस तरह से जो होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब इसके कुछ नोट्स हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इक्वल टू फाइव होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ फाइव इक्वल टू ए होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ यू बराबर ए डैश होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए डैश बराबर यू होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए होता है। और साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी बराबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी है तो ये बी बराबर सी होगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट सॉरी कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। और अगर ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख सकते हैं।